कहानी की शुरुआत होती है रुबीना नाम के एक छोटे लड़के से, जो स्कूल में जाकर वहाँ के ताकतवर लड़कों को चुनौती देता है। कुछ घंटे बाद रुबीना अपने फोन का इंतजार करता है, तभी वहाँ पर बाकी आ जाता है। रुबीना के हाथ में नाइफ होता है और वह बाकी को देख करके सोचता है कि ये काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, ये ताकतवर स्टूडेंट में नहीं हो सकता। बाकी अपनी टी शर्ट उतारता है और वो लड़ाई की पोजिशन में खड़ा हो जाता है। बाकी की बॉडी ये देखने के बाद ही रुबीना को एहसास होता है उसने शायद गलती कर दी, और वो डर के मारे भागने लगता है और उम्मीद करता है कि बाकी उस पर रहम दिखाएगा। लेकिन बाकी हमेशा अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार रहता है। बाकी अचानक से हवा में गायब होता है और रोमिना के बट पर पूरी ताकत से थप्पड़ मारता है, जिससे रोमिना उठते हुए नदी में जाकर के गिरता है। जैसे ही रोमिना पानी से किनारे पर आता है तो बाकी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बाकी नोटिस करता है कि इस बच्चे को उसके दोस्तों ने ये लड़ने के लिए बोला था। मीना को बताता है कि वह उन लड़कों से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अचानक से उनके पीछे एक फौजी दिखाई देता है और वो बाकी से कहता है, जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी है तुम्हारे फादर, उन्होंने मेरी चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उस फौजी के तुरंत जाते ही बाकी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और हवा में पंच करने लगता है। रोमिना को देखकर एहसास होता है कि वो शेडो बॉक्सिंग कर रहा है, जिसमें बाकी अपने दुश्मन की कल्पना करके उससे लड़ रहा होता है। रोमिना बाकी के मूवमेंट्स को देखता है और उसे उसके दुश्मन की परछाई दिखने लग जाती है, जो बॉक्सिंग का बेताज बादशाह आयरन माइकल है, जो आज तक कभी नहीं आ रहा। इससे भी चौंकाने की ज्यादा बात यह है कि वह शैडो बॉक्सिंग में मार भी खा रहा होता है, जिसके कारण बाकी की पूरी बॉडी में चोट लगने लगती है। बाकी की नाक से खून बहने लगता है। वह ठान लेता है कि इस फाइट को जल्द ही खत्म कर देगा। ये आगे बढ़ता है, वह एक ही किक से उसकी फाइट को खत्म कर देता है। बाकी उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाता है। रुमीना बाकी से पूछता है कि वह अपने फादर से कैसे मिलेगा, वो तो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। बाकी उसे बताता है कि उसके बेसमेंट में एक ताकतवर अपोनेंट है। बेसमेंट में पहुंच के रुमीना देखता है बाकी अपनी फाइटिंग पोजीशन में खड़ा है। अचानक से वो दीवार के पीछे जाकर गिरता है। वो फिर टेबल के पास जाता है और देखता है कि उसका फाइटिंग अपोनेंट एक मेंटिस है। उसे देखकर उसे ये समझ नहीं आता कि एक छोटा सा इंसेक्ट आकर इतने हट्टे कट्टे बाकी को कैसे हरा रहा है। बाकी उनसे समझाता है कि एक टाइगर अपने से 4 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन इंसेक्ट अपने वजन से 100 गुना ज्यादा उठा सकते हैं। मेंटिस एक ऐसी स्पीशीज है जो इस दुनिया में कुछ भी कुचल सकता है अगर उसका आकार इंसानों जितना होता। बाकी अपनी शेडो बाइट टेक्निक यूज करके 190 किलो का एक मेंटिस क्रिएट करता है। बाकी ने पहले जो किक यूज करी थी वही यूज करता है, लेकिन वह पीछे की तरफ खुश होता है। बाकी अचानक से चौंक जाता है और मुश्किल से ही उसके हमले पर रिएक्ट कर पाता है। इससे उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसेक्ट उसकी किक को रोक देता है। उसे दीवार की तरफ फेंकता है और तोड़ते हुए बाकी उस पर हमलों से बचता है और उससे बचते हुए बाकी इंसेक्ट को एक किक मारता है। कभी भी इंसेक्ट को उसके किक से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इंसेक्ट बाकी को दोबारा से फेंक देता है और छत को तोड़ देता है। बाकी दोबारा से इंसेक्ट पर हमला करता है और उसकी गर्दन को तोड़ने की कोशिश करता है। उसको जकड़ के उसके मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इंसेक्ट उसे दूर फेंक देता है, जिससे वह जाकर टेबल पर गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। बाकी को एहसास होता है कि इस इंसेक्ट की ना ही कोई कमजोरी है ना ही कोई वो स्पॉट। बाकी सोचता है कि उसे अपनी जान बचाकर भागना चाहिए, लेकिन बाकी जानता था अगर वो इस समय भाग जाएगा तो तभी भी उनसे भागना पड़ेगा जब वो अपने फादर से लड़ रहा होगा। बाकी अपने फेस पर स्माइल रखते हुए सोचता है कि वह हर चीज का सामना करेगा। बाकी जोरदार चोट एक मेंटिस को मारता है, जिससे मेंटिस पीछे हो जाता है। बाकी समझ जाता है कि उसका अपोनेंट ओरियन टेक्निक से कमजोर है और ये वही टेक्निक है जो उसकी मॉम ने बनाई थी। उसने देखा था मेंटिस पैरों के खिलाफ एक लड़ाई जीत गया था। उस दिन के बाद से उसने मेंटिस को देखते हुए लड़ने की टेक्निक को बनाया। उसी टेक्निक को यूज करके बाकी उस इंसेक्ट के हावी होना शुरू होता है और कई घातक हमले करके वह उसे पीछे फेंकता है। उन लड़ने की तरीकों को अपना कर वो एक नए तरीके की स्ट्रेंथ को पा लेता है। मेंटिस उससे डरने लगता है। उसको एहसास होता है कि मेंटिस अब उससे लड़ने के काबिल नहीं है। बाकी तब उससे लड़ना बंद कर देता है। अब बाकी को किसी नए अपोनेंट की जरूरत थी ताकि वो ट्रेन हो सके अपने फादर के खिलाफ। बाकी अमेरिका जाकर के उसके प्रेसिडेंट को किडनैप करता है ताकि उसे जेल भेजा जाए, ताकि उसे वहाँ सबसे ताकतवर क्रिमिनल्स मिलें। बाकी के अरेस्ट होने के बाद उसे एरिजोना की जेल में भेजा जाता है। बाकी जेल के डायरेक्टर से मिलके वहाँ के सबसे ताकतवर अपोनेंट
और वो इंचेन से मिलवाने को कहता है। डायरेक्टर उसकी बात मान लेता है और उसे जेल में उससे मिलवाने भेजता है, और वो वहाँ जा कर के नोटिस करता है कि हर तरफ टाइट सिक्योरिटी है। बाकी इंचेन के सेल में पहुँचता है और वहाँ जा कर के वो चौंक जाता है। उसका कमरा देखता है जो कि 5-स्टार होटल की तरह लग रहा होता है। बाकी उसे वहाँ पर चुनौती देता है, लेकिन वो उसे बताता है कि अगले हफ्ते वह दूसरे सबसे ताकतवर अपोनेंट से लड़ने वाला है। अगर वो उससे लड़ना चाहता है तो दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर अपोनेंट बनना होगा उसे। बाकी उसकी सभी बातों को अनसुना करके अचानक से उसके मुंह पर एक पंच मारता है, लेकिन अनचैन बिल्कुल भी नहीं गिनता। अब बाकी को उसके सेल में ले करके जाया जाता है, जहाँ पर वो असली केम आई आयरन माइकल से मिलता है। आयरन माइकल उसे बताता है कि वो जेल के टॉप 10 में भी नहीं आता है। खुलासा करता है कि वो लड़ाई इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पर सब इतने ताकतवर हैं, कहीं वो अपनी जान ना गंवा दे। अब वो नंबर 2 से मिलता है, जो जून कवैरू है, जिसको वहाँ के सेल गार्ड से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। जो उसकी हर एक हरकत को इग्नोर कर रहे थे और उसे स्पेशल नाश्ता मिल रहा था। एक आदमी जून को चैलेंज करता है और वो दोनों लड़ने की स्टेडियम में आ जाते हैं, लेकिन जून तुरंत ही उसे सुमो में हरा देता है। उन्हें उस पे अपोनेंट की खासियत थी। बाकी उससे बात करने जाता है, लेकिन तभी एक गार्ड उस पर डंडे से हमला करता है, लेकिन बाकी को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। के बाद बाकी को अकेली कार कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अब एक बूढ़ा कैदी बाकी के लिए चुपके से खाना लेकर आता है, जो कि बाकी के दोनों अंगूठे पीठ के पीछे हथकड़ी से बंधे हुए थे। वो उसे खाना खिलाता है और जुनून के पस्त के बारे में बताता है, जिससे बाकी को पता चलता है कि वो भी अनचेन से लड़ना चाहता है। अचानक से गार्ड अंदर आता है और वो बूढ़े आदमी को मारने लगता है कि उसने बाकी से बात करी। बाकी उसे धमकाता है। गार्ड अब उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बाकी उसे एक जोर की किक मारते हुए दूर फेंक देता है। और बाकी उसे कहता है कि उसके हाथ बंधे होने का मतलब ये नहीं है कि वह लड़ नहीं सकता। ये अपनी हड्डियों को डिसलोकेट करता है और वो गार्ड को बुरी तरीके से मारता है। गार्ड को ऊपर से धक्का देता है, लेकिन फिर भी वह उसे बचा लेता है। बाकी फिर अपने पुराने सेल में वापस आने के बाद बाकी जून से कहता है कि वह उससे लड़ना चाहता है। अभी एनचेन दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। एनचेन अपने लड़ने का कारण जुन को बताता है कि कहता है कि उसके पास एडवांटेज है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ रहा है। बाकी उनके बातचीत को बीच में ही रोक करके उनके कॉलर को पकड़ लेता है। वो दोनों एक जोरदार हमला बाकी पर करते हैं और बाकी काफी दूर जा करके गिरता है। अब अंजीम कहते हैं कि ये रुमाल उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया है, वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगता है, लेकिन जुन उसके रुमाल पर थूक देता है, लेकिन अंजीम लड़कियों की तरह रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब लड़ाई के गेम ग्राउंड में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन लोग देखते हैं कि एनशियन अपनी पीठ पर बैट उठाकर ला रहा है। बैट पर उसकी नवर मारिया बैठी हुई है और उसकी खूबसूरती लफ्जों में बयां नहीं करी जा सकती।